गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग चलते हैं कहीं बाहर एक नए ब्लॉग के लिए, सो लेट्स गो। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking. ये रहा गाइस अपना देसी अंडरग्राउंड। गेस करें गाइस हम लोग कहाँ पे आए हैं। आज हमारा टूर होगा रेड फोर्ट, लाल किला का। तो चलिए चलते हैं। और थोड़ी गर्मी है तो थोड़ा सिकंजी पीकर चलते हैं हम। और गाइस मैं गेट नंबर 1 के पास था फ्रंट साइड में, बट वहाँ से एंट्री का कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ पे लोग सिर्फ बाहर की तरफ आ सकते हैं, वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। और एंट्री के लिए हमें गेट नंबर 2 पे जाना होगा, जहाँ पे टिकट काउंटर अवेलेबल है। गाइस एंट्री के साथ ही आपके सामने एक खूबसूरत नज़ारा होगा। मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। आज आप लाल किला घूमने के लिए एक अच्छे मौसम में ही आप प्रेफर करें घूमना, क्योंकि ये काफ़ी खुला है, तो यहाँ पे धूप की वजह से आपको आप अच्छे से मे बी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो जब भी अच्छा मौसम हो तो आप देख के लाल किला आ सकते हैं। गाइस आपके पास 2 ऑप्शन हो गए अवेलेबल यहाँ पे। आप पे एक तो QR कोड से स्कैन करके अपना टिकट ले सकते हैं, अदरवाइज काफ़ी लंबे लाइन का आपको सामना करना पड़ेगा। देख लें, मोर देन हाफ एन आवर यू हैव टू वेट हियर। We are heroes tonight. Wow, wonderful. Tuk tuk. और ये गड्ढा पहले इसलिए बनाया जाता था किले के साइड साइड कि कोई भी जंग के टाइम में कोई भी इजीली अंदर एक्सेस ना कर सके साइड वॉल से। उसी के पर्पस, सेफ्टी पर्पस के लिए ये बनाया जाता था पहले। गाइस फाइनली हम लोग रेड फोर्ट के सामने पहुंच गए हैं, और आधा घंटा मुझे लगा टिकट लेने में, काफ़ी लंबी लाइन थी। तो फाइनली आई गॉट द टिकट एंड चलते हैं अब अंदर, एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा है। इतने खूबसूरत डिज़ाइन का क्रेडिट आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है, जिन्होंने ताजमहल का भी कंस्ट्रक्शन किया है। गाइस सारे टिकटिंग प्रोसेस के बाद हम लोगों ने सारा चेक इन वगैरह करवा लिया है, और हम फाइनल मेन गेट की ओर जा रहे हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. ये वही जगह है जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, जहाँ पे झंडा तोलन होता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये हमारी राजशाही एंट्री हो रही है महल के भीतर, एंड दिस इज कॉल्ड लाहौरी गेट। ये हमारा मीना बाजार है आई थिंक लाल किले के अंदर। अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, लोग परचेज़ कर रहे हैं जो भी उन्हें छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी है। हमारे फॉरेनर भाई बहन जितने भी हैं वो सब कुछ यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। यहाँ पे बहुत ही इंस्टेंट टाइम का भी सामान सब मिलता है, आप देख सकते हैं जैसा मेरे पीछे बैकग्राउंड में। आप जैसे एक लाल किले के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको जस्ट एंट्री के बाद थोड़ी देर के बाद ही आपको 2 गेट मिलता है। एक आप यहाँ जा सकते हैं पीछे जैसा आप देख रहे हैं, और मैं एक्सप्लोर करूँगा क्या है। और एक जस्ट इसके अपोजिट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम गेट है। भाई लोग इन दोनों गेट से भी आप एंट्री कर सकते हैं किले के अंदर खुले आसमानों के नीचे। एक तो ये मीना बाजार आपको सामने दिख रहा है और बीच में थोड़ा सा गैप है, दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमने में, और ये मार्केट में लोग शॉपिंग कर रहे हैं।
गाइज, ये है न्यू म्यूज़ियम जिसे अभी हाल ही फ़िलहाल में बनाया गया है। हमारा एंट्री अब म्यूज़ियम के अंदर होने वाला है। चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर, देखते हैं क्या है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. यहाँ पे एक नया म्यूजियम ओपन हुआ है, तो उसका हमने टिकट लिया है। उसके लिए यू हैव टू पे एट लीस्ट 100 rupees। गाइज, हमने टिकट ले लिया है ये म्यूज़ियम के लिए, तो चलते हैं म्यूज़ियम, देखते हैं कि कैसा बनाया गया है। ये न्यू मॉडिफाइड है, तो इसमें चेक करके एक बार देखते हैं कि कैसा म्यूज़ियम बना है। गाइज, हम यहाँ अंदर चले गए थे, लेकिन अंदर जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उसमें कुछ शॉप वगैरह है जिसमें आप फोटोग्राफी वगैरह नहीं कर सकते हैं, और रेस्टोरेंट है आई थिंक उसके अंदर, तो आपको अगर कुछ फूडी अगर फील कर रहे हो तो आप खा भी सकते हो वहाँ पर जाके। बट म्यूज़ियम के लिए वहाँ पर हमने टिकट लिया है, और म्यूज़ियम आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पर है, तो चलते हैं। म्यूज़ियम के लिए हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे हैं, और यहाँ से अपना झंडा देखिए कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, मुगल एम्परर शाहजहाँ ने जब अपना कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था, तो उन्होंने ये लाल किले को बनवाया था। ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे। रेड फोर्ट छत्ता बाजार वाज इंडस्ट्रियल फर्स्ट कवर्ड मार्केट प्लेस। पुरानी चीज़ें, हुक्का भी है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying. ये है नशे मने जिल्ले इलाही, हमारे शाहजहां का थ्रोन जिसपे बैठ के वो फैसला सुनाया करते थे। काफ़ी मॉडर्न आर्किटेक्चर बनाया गया है लाल किले के अंदर, बहुत ही अच्छा है। काफ़ी गुलाब, बादाम, अनार, संतरा, आई थिंक पुराने ज़माने का लगता है स्टोर करके रखा हुआ है। We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. द मुगल एम्पायर ट्री, इसमें सारे राजा जितने भी गुजरे हैं शाहजहाँ से लेकर बहादुर शाह जफर तक का सारा पेड़ बना रखा है ये, बिल्कुल द मुगल ट्री। काफ़ी दिलचस्प चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, आप मेरे पीछे देखें। ये यहाँ पे जो भी जंगें वगैरह हुई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे पीछे पोर्ट्रे करके बनाया गया है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत, न्यू मॉडर्नाइज स्टाइल में। I'm
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Wow. From London to Taiwan. Wow. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Oh guys, अंदर copyright के issue की वजह से मैंने song play कर दिया था. बहुत ही अच्छा और काफ़ी ख़ूबसूरत एक्सपीरियंस था. ये बुर्ज है और खलीफा दुबई में है. तो चलते हैं बाहर, देखते हैं और क्या है. गाइस, लाल किले में एक ऑफिस भी है सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स का, आप देख सकते हैं जैसा मेरे पीछे. गवर्नमेंट ऑफिशियल का ऑफिस है और लाल किले को ओरिजिनली जब बनाया गया था तो उसे रेड एंड वाइट कलर में बनाया गया था. और गाइस, ये है बावली जिसे इंग्लिश में स्टेप वेल बोलते हैं, जिसे अंग्रेज़ों के द्वारा डिमोलिश ये नहीं हुआ था, ये बच गया था और अंग्रेज़ों के बाद इसे जेल बना दिया गया था और ये अभी क्लोज हो रखा है. मोर है और यहाँ साइड में एक मोर वन भी है जहाँ बहुत सारे मोर पिकॉक होते हैं. अभी मैंने एक शूट करना चाहा बट वो भाग गया मुझे देखकर. काफ़ी ख़ूबसूरत व्यू जैसा कि देख सकते हैं आप. गाइस, अगर लाल किले में आपको अगर थोड़ा भूख प्यास अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे खा भी सकते हैं. यहाँ पे कैंटीन भी है हमारे बिल्कुल पीछे, आप यहाँ पे आके खा भी सकते हैं. और ये रेड ब्लैक एंड वाइट कलर की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सारी पुरानी म्यूजियम्स हैं. चलते हैं अंदर. अभी यहाँ पे तोपों की सलामी दी जाएगी लग रहा है ऐसा देखकर मुझे. गाइस, अभी हम म्यूजियम में हैं. म्यूजियम के अंदर जो पुरानी चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं यहाँ पे, सो लेट्स एक्सपीरियंस द ओल्ड थिंग्स. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Bande Mataram. ये श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट हाउस बनाया गया है. गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूजियम्स हैं तो आप म्यूजियम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में हो या जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन सभी के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है. कि पार्टिकुलर म्यूजियम बना रखा है. ये हमारे सामने का स्ट्रक्चर गाइस वाइट मार्बल से बना है, इसी वजह से इसे वाइट स्वान भी कहते हैं. और ये रहा हमारे सामने रेड जफर महल. गाइस, जब आप लाल किले के अंदर आते हो जब सीधा थोड़ी दूरी पे, तो अंदर का काफ़ी अच्छा, मतलब एक काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे. बहुत ही प्यारा आपको लगेगा इसका बनावट, हर एक चीज़, जो भी पार्क्स वगैरह देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत. और ये गाइस आपके सामने है हीरा महल, द डायमंड पैलेस. गाइस, मेरे पीछे मैं दिखाता हूँ, आई थिंक वो कुआं है जिसमें से पहले के टाइम में पानी निकाला जाता होगा या लोगों को डाल दिया जाता होगा उसमें. ये मोती मस्जिद का एंट्री गेट है और इस मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था. वो
ये गाइस दीवाने खास का इनर वॉल है, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है, बिल्कुल मार्बल वगैरह इसमें लगा के और बहुत ही अच्छा डिफाइन लुक दिया गया है। गाइस यही वो प्लेस है जिसमें वो टिकट वाले ने भैया बता रहे थे कि आपको एक शो दिखाया जाता है शाम में 7:30 या 7 बजे के बाद रात के 10 बजे तक, तो आप इस जगह पे पूरा लाइटिंग वगैरह सब चीज़ का इंतज़ाम है, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है हमारे पीछे, तो आप इसे देख सकते हैं। और इसमें लाइट का पूरा इंतज़ाम चारों तरफ लगा हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं साइड सारा, और सिटिंग एरिया भी यहाँ पर अवेलेबल है, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा। आई होप ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस देगा जो भी लोग देखेंगे इसे रात के टाइम में। वाओ गाइस, यहाँ पे मैं आया तो मुझे यहाँ पे अनार का पेड़ भी मिला, और इसमें अनार भी है लिटरली, आप देख सकते हैं। वाओ, लेकिन काफी छोटा है, अभी इसे हम लोग नहीं खा सकते हैं। From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe. और गाइस ये हमारे सामने जो आपको दिख रहा है ये रंग महल है, ये अपना दीवाने खास के जस्ट साइड में ही है, और फिलहाल तो ये वेल मेंटेन कंडीशन में नहीं है, पहले बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, अभी देख लें आप। लाल किला का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे मुमताज़ महल, हमाम खाना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपके सामने है दीवाने आम का नज़ारा, द पब्लिक ऑडियंस हॉल, जिल्ले इलाही यहीं पे बैठा करते थे। ये वेटिंग हॉल था बट अभी इसे इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये बिल्कुल सीधा है जहाँ से एंट्री गेट से, लाल किले के अंदर का एंट्री, और ये सामने बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने ये रहा आपका द किंग थ्रोन। गाइस भीड़ मतलब क्राउड बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, तभी आपको अच्छा लगेगा घूमने में, क्योंकि क्राउड में ही फन है, जब अकेले अकेले आप रहोगे तो उसका क्या मज़ा है, क्राउड के साथ ही आप इंजॉय करें, धक्का मुक्की ना करें। लाल किला गाइस काफ़ी बड़ा है तो इसे एक्सप्लोर करने में पूरा दिन आपको लगने वाला है। गाइस मैंने लाल किले को काफ़ी खूबसूरती के साथ एक्सप्लोर किया, ब्लॉग को आप देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ब्लॉग। Then I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for